हैव अ लुक एट द सेल्स ऑफिस, वो साइट का भी वीडियो मैं रन कर दे रहा हूँ, जस्ट हैव अ लुक एट द लैंड पार्सल, दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट डेवलपर्स ऑफ द कंट्री, टोटल 3 एकड़ का लैंड पार्सल है, आपको टॉप फ्लोर वाला इशू यहाँ पे नहीं आने वाला है, दिस इज अ बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट फ्रॉम दिस साइड टू द टेलीविजन, इट इज रियली ग्रेट, स्पेस हर तरफ से काफी अच्छा है विद इनक्लोज बालकनी, ऊपर का पोर्शन आपका मूवेबल रहेगा और नीचे का पोर्शन आपका फिक्स रहेगा, वार्डरोब तो है ही, बेड तो है ही, एक्स्ट्रा फर्नीचर है, फिर भी लुक एट द फ्री स्पेस, स्मार्ट स्विचेस हैं, इससे आप बेसिकली अपने घर की पूरी लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, होम ऑटोमेशन, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट बेडरूम है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, लॉन्चिंग प्राइस है, होगा कैब सर्विसेज आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्व, वेलकम टू बानेर, वी आर हियर टू सी द मर्लिन ग्रुप, मर्लिन विंटाना 3 and 4 BHK रेसिडेंसेस एंड बैक साइड में सेल्स ऑफिस, जस्ट हैव अ लुक एट द सेल्स ऑफिस, दे आर ब्यूटीफुल डन द सेल्स ऑफिस, बट हम तो सैम्पल फ्लैट और प्रोजेक्ट डिटेल लेने आए, हमें इससे क्या करना, बैक साइड में यू हैव द कंस्ट्रक्शन साइट, वो साइट का भी वीडियो मैं रन कर दे रहा हूँ, जस्ट हैव अ लुक एट द लैंड पार्सल, 3 acres का है, बाकी डिटेल्स अंदर की तरफ देंगे, तो अंदर चलते हैं और इसके सैम्पल फ्लैट को समझते हैं, यानी सारी डिटेल्स को समझते हैं, जो नॉट जस्ट अ सैम्पल फ्लैट, प्रोजेक्ट डिटेल्स अबाउट द डेवलपर एंड ऑल्सो वट काइंड ऑफ यू नो वैल्यूज और एमिनिटीज दे आर गोइंग टू प्रोवाइड, तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस। सो मर्लिन ग्रुप एज अ ग्रुप हैज गॉट प्रेजेंस इन 7 cities विच यू कैन क्लियरली सी ओवर हेयर एंड दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट डेवलपर्स ऑफ द कंट्री विद देयर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द इंटायर 7 cities। सो वी आर हेयर टू सी द सैम्पल फ्लैट, बट उसके पहले अंदर चल के मॉडल स्केल पे प्रोजेक्ट डिटेल्स समझ लेते हैं और उसके बाद सैम्पल फ्लैट भी देखेंगे। अब हम इसके मॉडल स्केल मॉडल को देखेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से, तो प्रोजेक्ट का थोड़ा सा डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। टोटल 3 acres का लैंड पार्सल है जिसमें 3 towers आएंगे, A, B and C। बिल्डर ने अभी टावर बी एंड टावर सी लॉन्च किया है, ए टावर बाद में लॉन्च करेंगे तो इसके बारे में हम ज़्यादा उसके भी बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसमें आपको 3 levels ऑफ कार पार्किंग दिख रहा होगा, बट ये 7 levels ऑफ कार पार्किंग है, 2 basement, 1 underground, ग्राउंड लेवल एंड 2 levels ऑफ पोडियम। ओके, पोडियम जो है वो 20-20 feet का आपका हाइट है, तो यानी कि ग्राउंड टू पोडियम 1 एंड पोडियम 1 टू पोडियम 2, 20 feet, 20 feet, 20 feet, 60 feet, यानी कि जो फर्स्ट रेजिडेंशियल फ्लोर है, जो फर्स्ट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होगा वो 7th floor पे रहेगा, तो वो फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर वाला प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया यहाँ पे। टॉप फ्लोर का प्रॉब्लम क्यों सॉल्व हो गया, क्योंकि एमिनिटीज रूफ टॉप में रहने वाली है, तो यानी कि आपको टॉप फ्लोर वाला इशू यहाँ पे नहीं आने वाला है, रूफ टॉप में आपका स्विमिंग पूल रहेगा और बाकी ग्राउंड लेवल पोडियम 1 पोडियम 2 में क्या मिल रहा है बिल्डर ने वो भी दिखाया, सामने से दिखा देता हूँ, आ जाइए। सो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की मैं बात करूँगा, ग्राउंड फ्लोर में आपको स्क्वैश कोर्ट, यू नो स्क्वैश कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट इंडोर गेम्स के लिए एंड उसके बाद 40 फीट सीलिंग हाइट के साथ बैडमिंटन कोर्ट मिल रहा है, ठीक है। एमिनिटीज ऑन पोडियम वन देखो वहाँ पे सामने क्लियर दिख रहा होगा क्या है, और यहाँ पे एमिनिटीज ऑन पोडियम वन यानी कि मिडिल वाला जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे यू आर गेटिंग अगेन बिलियर्ड्स या इंडोर गेम्स रूम एंड ऑल एंड देन यू गॉट यू नो मिनी थिएटर काइंड ऑफ थिंग, सिटिंग एरिया, लॉन्च एरिया। एमिनिटीज़ ऑन पोडियम 2 जो यहाँ पे है उसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा जिम मिल रहा है, आपको 3 guest bedrooms मिल रहे हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ इन्वेंट्रीज दैट इज बिल्डर इज प्रोवाइडिंग ओवर हियर। थोड़ा सा इधर पे आ जाते हैं और एंड देन यू कैन सी बिल्डिंग के इस तरफ में यू गॉट बास्केटबॉल एरिया एंड देर इज़ ए यू नो रनिंग जॉगिंग और मंचन सॉर्ट ऑफ एमिनिटी, सो दैट इज़ ऑल्सो प्लस ब्रॉक्स क्रिकेट इज ऑल्सो अवेलेबल। सो इसके बाद अब हम इसके 3 BHK के सैम्पल फ्लैट को देखेंगे जो कि 1135 स्क्वायर फीट का है। ओके, 3 BHK 1066 कारपेट का भी है, तो डिफरेंसेस भी बताने वाला हूँ वीडियो में। 3 BHK 1135 स्क्वायर फीट का, 3 BHK 1157 स्क्वायर फीट का एंड वी हैव ए 4 BHK ऑप्शन एज वेल 1451 स्क्वायर फीट, तो आराम से देखते हैं सारी चीज़ें उधर पर एक्सप्लेन करूँगा। चलिए चलते हैं सैम्पल फ्लैट देखते हैं। सो अब मैं आपको इसका 3 BHK दिखाने वाला हूँ जिसका कारपेट 1137 स्क्वायर फीट का, याद रहे 3 variations थे 1066, 1135 एंड 1157, तो जो सैम्पल फ्लैट में दिखा रहा हूँ वो 1135 स्क्वायर फीट कारपेट का है
और अंदर मैं डिफरेंसेस भी बताऊंगा और इसके 4 BHK का भी डिफरेंस एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ध्यान से पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अंदर आने के बाद सबसे पहले यू हैव गॉट योर ह्यूज लॉबी स्पेस। जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस लॉबी स्पेस, दिस इज वेरी स्पेशियस एंड वेरी ब्यूटिफुली शोन बाई द डेवलपर कि किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एज्यूम दैट दिस इज योर शू रैक स्पेस और उसके ऊपर कैबिनेट लगा के यू कैन इवन बिल्ड अ डेकोरेशन यूनिट और यू कैन डेकोरेट टिल दिस साइड। सो यूटिलिटी वाइज अमेजिंग साइज ऑफ लॉबी। एंड अंदर आते ही सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिस इज अ बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट, यानी कि एक बेडरूम इस तरफ में और बाकी दोनों बेडरूम उस तरफ में रहेंगे। उसके अलावा दिस इज ऑल्सो एन एल शेप ऑफ यूनिट प्लान, तो यानी कि लिविंग सेपरेट और डाइनिंग सेपरेट हो जाता है। तो अंदर आने के बाद सबसे पहले मैं आपको लिविंग एंड डाइनिंग दिखाऊंगा, बेडरूम्स हम बाद में कवर करेंगे। एंड आई वेलकम यू टू अ वेरी ह्यूज साइज ऑफ लिविंग एरिया एंड एल शेप में सेपरेट डाइनिंग स्पेस विच इज अगेन वेरी स्पेशियस। सो अगर साइज की बात करें तो साइज नीचे लिख के आ गया होगा, बट वेरी नाइसली डिफाइंड बाई द डेवलपर दैट इतने बड़े सोफा यूनिट, इतने बड़े बड़े साइज के फर्नीचर लगाने के बाद भी स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट लुक एट द फ्री स्पेस हियर, लुक एट द फ्री स्पेस देयर, लुक एट द फ्री स्पेस ओवर दैट साइड। एंड सबसे अच्छी चीज जो व्यूइंग एंगल आपको मिलता है फ्रॉम दिस साइड टू द टेलीविजन, इट इज रियली ग्रेट। सो अगर बात की जाए कि यू नो, अगर वरना यूजुअल जो सेटअप होता है एक तरफ में सोफा सेट, एक तरफ में टेलीविजन, यू नो डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता, यहाँ पे एस्थेटिकली एर्गोनॉमिकली मेंटेन्ड है। और इस तरफ में यू हैव गॉट योर बिग साइज ऑफ डाइनिंग स्पेस, ऑलमोस्ट 11x10 का साइज है। 11x10 में तो आज की डेट में किड्स बेडरूम होता है, बट यहाँ पे इन्होंने एक बड़े साइज का डाइनिंग स्पेस लगा के दिखाया है। एंड मैं आपको दिखा दूं कि मेरे को यूज़ करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेस हर तरफ से काफ़ी अच्छा है। ओके, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने राउंड टेबल लगाया है, लेकिन अगर आपने एक वर्टिकल टेबल भी लगाया रहता, यहाँ तक भी स्पेस ऑक्यूपाई करता, तो भी आपको कंजस्टेड नहीं पड़ने वाला था। 6-सीटर डाइनिंग टेबल भी बड़े आराम से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अब हम इसके किचन एरिया को देख लेते हैं। फर्स्ट बेडरूम उस तरफ है, दो बेडरूम इस तरफ है, आराम से सब सारी चीज़ें बताऊंगा। किचन देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 8.5x10 का साइज है एंड कम्स विथ इनक्लोज बालकनी एंड जस्ट लुक एट द साइज। सो यूजुअली क्या होता है, जो किचन होता है वो आपका हॉरिजॉन्टली लॉन्ग होता है, वर्टिकली शॉर्ट रहता है, बट ये यहाँ पे एक प्रॉपर स्क्वायर शेप का इन्होंने दे के रखा है विद इनक्लोज बालकनी। तो किचन छोटा नहीं है, किचन यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो कैसे बता देता हूँ, सबसे पहले आपका इनक्लोज बालकनी। सो ये जो कैबिनेट है आप यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लॉफ्ट एरिया भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उस तरफ में भी आप कैबिनेट्स लगा सकते हैं एंड ऑल द वे से सर्विस प्लेटफॉर्म लगा सकते हैं, आइलैंड स्टाइल में भी लगा सकते हैं। यूटिलिटी हर तरफ से काफ़ी अच्छी रहेगी और बिल्डर ने तो डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया है बिग साइज ऑफ रेफ्रिजरेटर, कैबिनेट्स, हॉब चिमनी, ट्रॉलीज के किचन आप कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड उसके बाद इस साइड में आपका वॉशिंग मशीन आ जाता है, इस तरफ में आप चाहो तो एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म बना करके एक्सटेंडेड सिंक बना सकते हैं और डिश वॉशर भी लगा सकते हैं। सो यूटिलिटी वाइज दिस इज रियली ग्रेट। एंड आपको वॉल टू वॉल ये बिग साइज का विंडो मिलेगा, कम्स विद मॉस्किटो मैश, तो इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम नहीं, वेंटिलेशन का भी प्रॉब्लम नहीं। एंड बाकी तो सामने से आपको ये आकर के देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको कैसा लग रहा है, शायद वीडियो में मैं जस्टिफाई ना कर सकूं, बट सामने आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अब हम इसके बालकनी एरिया को देख लेते हैं जो कि हमने मिस कर दिया था, तो बाहर की तरफ चलेंगे। एंड हाँ, मैं बता दूँ ये डोर खुलते ही साउंड ज़्यादा आएगा, क्योंकि साउंड ज़्यादा आएगा, लेकिन इसको बंद करते ही साउंड मिनिमम हो जाता है। तो बाहर चल के बालकनी स्पेस को देख लेते हैं, तो जस्ट आ जाइए बाहर। एंड दिस इज योर स्पेशियस बालकनी स्पेस, ऐसी कवर्ड रहने वाली है विद स्ट्रक्चर्स वॉल। स्विचेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपका लैपटॉप चार्जिंग, मोबाइल, यू नो, सो बिकॉज व्हेन यू एंजॉयिंग योर बालकनी आपको बार बार अंदर बाहर करने की ज़रूरत ना पड़े। अंदर की तरफ चलेंगे,
And now we'll see the first bedroom of the house, that is bedroom number 1. आपका first bedroom भी अच्छा spacious है, just look at the freeze frame. बिल्डर ने ऐसा नहीं कि बेड छोटा लगा दिया है और रूम को बड़ा दिखाने की कोशिश की, एक्चुअली में ये बड़े साइज का बेड है, 2 फीट का वॉर्डरोब स्पेस भी प्रॉपर लगा के दिखाया कि हाउ वेल यू कैन यूटिलाइज दिस रूम. एंड ये आपका ऐसे ही वॉल टू वॉल टॉप टू बॉटम रहने वाला है, जिसमें ऊपर का पोर्शन आपका मूवेबल रहेगा और नीचे का पोर्शन आपका फिक्स रहेगा. सो दिस विल गेट यू गुड सनलाइट इनटू द हाउस. जैसे आपने नोटिस किया ही होगा कि जब मैंने पर्दा लगा के रखा था तो सनलाइट बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ओपन कर दिया, जस्ट लुक एट द यू नो लाइट इन द हाउस. सो दिस इज वन एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ विंडोज. और इस तरफ में इसका वॉशरूम स्पेस आ जाता है. सो वॉशरूम जो है 8x5 का स्टैंडर्ड साइज का है. टाइल्स आप देख लीजिए आपको कैसा मिलने वाला है, सेम सिमिलर. आई गेट दिस मैट फिनिश फीलिंग व्हेन आई टच दिस, व्हिच इज एक्चुअली नाइस. पूरे वॉशरूम में, मतलब वॉशरूम के अंदर आपको सीपी फिटिंग एंड सैनिटरी फिटिंग बाई जैगवार. ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग ब्रांड यूज़ किए हैं कन्फ्यूज करने के लिए, सिंगल ब्रांड जैगवार इज प्रोवाइडेड बाई द डेवलपर. एंड यहाँ पे आपको ये जो ग्लास पार्टीशन मिल दिख रहा है, दिस इज अगेन प्रोवाइडेड बाई द डेवलपर. कम्स विथ फॉल सीलिंग, यहाँ पे नहीं है बट फॉल सीलिंग आपको मिलेगा. टाइल्स आप देख लीजिए, एंटीस्किड टाइल्स इन द वॉशरूम. और पूरे घर में आपको सेम विट्रीफाइड टाइल्स मिलेगी. अभी अंदर चलते हैं और इसके बाकी दोनों बेडरूम को समझ लेते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाउस, वी आर लुकिंग फॉर द सेकेंड बेडरूम, द सेकेंड पार्ट ऑफ द हाउस. एंड जस्ट लुक लाइट कितना अच्छा एंटर हो रहा है इस तरफ से. एंड सेकेंड बेडरूम है, किड्स बेडरूम बोलो या कॉमन बेडरूम बोलो, साइज 10x10 का नहीं है. उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा साइज दे के रखा है. और दिस इज वेरी क्लियरली, आई एम वेरी श्योर वीडियो में बहुत क्लियर दिख रहा होगा, विथ एक्स्ट्रा फर्नीचर एज वेल. फर्स्ट रूम में वो भी नहीं था, यहाँ पे एक्स्ट्रा फर्नीचर है. एंड वार्डरोब तो है ही, बेड तो है ही, एक्स्ट्रा फर्नीचर है, फिर भी लुक एट द फ्री स्पेस. एंड दिस इज वॉट वी रिक्वायर. आज की डेट में कॉम्प्रोमाइज इतना हो रहा है, यू नो, कारपेट्स के नाम, मतलब रूम्स के नाम पे, कि हम भूल ही गए हैं कि हमको इतने स्पेशियस रूम भी मिल सकते हैं. अंदर चलते हैं, मास्टर बेडरूम को देखते हैं. ओह सॉरी, पहले हम इसके कॉमन वॉशरूम को देखेंगे. सो वॉश बेसिन आपको बाहर की तरफ मिल जाता है, सो दैट योर गेस्ट डोंट हैव टू एंटर योर वॉशरूम्स बार बार. इस तरफ में इसका कॉमन वॉशरूम है. एंड देन स्टैंडर्ड साइज ऑफ वॉशरूम वंस अगेन. सारे स्पेसिफिकेशन मैं पहले बता चुका हूँ. वॉशरूम आपको रॉ मिलेगा एक्सेप्ट फॉर दिस मिरर एंड ऑल. रेस्ट व्हाट यू सी, सीपी फिटिंग, ग्लास पार्टीशन एंड सैनिटरी वेयर रिमेन्स एज इट इज. ये नीचे वाला भी नहीं मिलने वाला है. चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं एंड मास्टर बेडरूम देख लेते हैं, विच इज एक्चुअली अ बिगर कंपेयर टू एनी बेडरूम्स. ऑलमोस्ट 14x11 का साइज है. जस्ट लुक एट द फ्री स्पेस, 2 फीट का वार्डरोब, बिग साइज ऑफ बेड, सारे बेड से भी बड़ा बेड है. स्टिल द स्पेस इज जस्ट अमेजिंग. कम्स विद द सेम विंडो. विंडोज में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. वन थिंग विच आई मिस वॉज दैट यहाँ पे आपको ना स्मार्ट स्विचेस मिल रहे हैं. सो ये जो स्मार्ट स्विचेस हैं, इससे आप बेसिकली अपने घर की पूरी लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. होम ऑटोमेशन इफ इट इज कनेक्टेड टू वाईफाई कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू योर स्मार्टफोन इजिली. फाइनली मास्टर वॉशरूम देख लेते हैं. अब ये वॉशरूम जो है बाकी सारे वॉशरूम से 4-5 इंच बड़ा है, बट सारे स्पेसिफिकेशन मैं समझा चुका हूँ. सिर्फ आप टाइल्स देख लो आपको वॉल में क्या मिल रहा है, सेम सिमिलर आपको मिलने वाला है. ओवरऑल 1066 के कारपेट की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट बेडरूम है वो थोड़ा छोटा हो जाता है. दिस इज 1135 कारपेट, 1066 में आपका फर्स्ट बेडरूम थोड़ा छोटा हो जाता है. और किचन आपका 6 इंच से कम हो जाएगा, लिविंग रूम 1 फीट से कम हो जाएगा. तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा चेंजेस है जिसकी वजह से. एंड लॉबी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यहाँ पे आपको 10x5 की ऑलमोस्ट लॉबी मिल रही है, वहाँ पे आपको सम अराउंड 8x5 की लॉबी मिलेगी. तो मोस्ट जो चेंजेस आ रहे हैं वो 1-1 फीट 6-6 इंचेस से हर रूम में आ रहे हैं, और वो 1066 हो जाता है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट 1157 का कारपेट, जो कि इससे 20 square feet ज़्यादा है, तो उसमें क्या है, फर्स्ट बेडरूम में आ जाइए, वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा. सो आपका फर्स्ट बेडरूम में वॉशरूम का एंट्री एग्जिट इस तरफ से है, बट एक्चुअली ये उस तरफ चला जाता है, तो उससे एक लॉबी क्रिएट होती है 20 फीट की, बट उसको आप वॉक इन वार्डरोब में कन्वर्ट कर सकते हो.
वो कैसे, वो बिल्डर से मिल करके आपको समझना पड़ेगा, आ करके उसको समझना पड़ेगा। बाकी पूरे घर का लेआउट एज इट इज़ रहने वाला है। 4 BHK की अगर मैं बात करूँ तो एक 13x10 का रूम विथ वॉशरूम ऐड हो जाता है, 1451 कारपेट क्रिएट हो जाता है, वरना सारा घर एज इट इज़ ही रहने वाला है और उसमें लॉबी थोड़ी और एक्सटेंडेड हो जाती है। सो अगर 3 BHK के तीनों वेरिएशन का डिफरेंस मैंने आई होप समझा दिया होगा, नहीं समझ में आया कॉन्टैक्ट करो फिर समझा दूंगा। 4 BHK भी मैंने डिफरेंसेस बता दिए, फिर भी कोई डाउट है कॉन्टैक्ट करो दोस्त, समझा दूंगा। विजिट भी कराना है यहाँ पे, विजिट भी करा दूंगा। कैब सर्विसेज आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। प्राइस पॉइंट की बात कर लेते हैं, लॉन्चिंग प्राइस है 1.5 crore ऑनवर्ड्स, 1066 कारपेट, एंड 4 BHK की बात करूँ तो 2.14 crore ऑनवर्ड्स। वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बानेर में किसी की रिक्वायरमेंट है उसको फॉरवर्ड करें, फ्लैट पसंद आ रहा है इंक्वायरी करें, शायद वीडियो में जस्टिफाई ना किया हो बट सामने से आके इसको जरूर देखें, दैट इज़ वन रिकमेंडेशन आई डू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।